नेशनल हेरल्ड केस में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया। कल राहुल गांधी से पूछताछ होनी है, जबकि 8 जून को सोनिया गांधी को बुलाया गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये साजिश केंद्र सरकार के इशारे पर हो रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए अभी और वक्त मांगा है, क्योंकि राहुल गांधी इस समय देश में नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये केस तो 2015 का है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय बंद कर चुका है, और अब प्रवर्तन निदेशालय बीजेपी हेडक्वार्टर्स के एक्सटेंशन के रूप में काम कर रहा है। और आज तक संवाददाता अशोक सिंघल ज्यादा जानकारी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये जो टाइमिंग है इस समय नोटिस भेजना, राहुल गांधी को कल हाजिर होना है, सोनिया गांधी को 8 जून को बुलाया गया है, अशोक कांग्रेस कह रही है कि जो प्रवर्तन निदेशालय है वो बीजेपी मुख्यालय का एक्सटेंशन हो गया है, राजनीतिक रूप से देखा जाए टाइमिंग इस नोटिस की? देखिए, टाइमिंग तो विपक्ष हमेशा से सवाल उठाता है जब भी सरकारें ऐसे नोटिस देती है या एजेंसियों की तरफ से, सरकार नहीं कहूंगा, एजेंसियों की तरफ से जब ऐसे नोटिस दिए जाते हैं, सम्मन किया गया है, तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला और अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि हम लोग ना झुकेंगे ना डरेंगे, मुकाबला करेंगे, और हर कार्यकर्ता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ है। जहां तक टाइमिंग की सवाल है, कांग्रेस का ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, फारूक अब्दुल्ला हो या दूसरे लोग हो, तमाम लोगों को किसी ना किसी मामले में ये लोग फंसाते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंटेरोगेट किया जाता है, परेशान करने की साजिश है, जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और आज जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साफ तौर से कहा है कि 2015 में अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे, कि जब जो केस 2015 में बंद कर दिया गया था, लेकिन आज जानबूझ के खोला गया है, क्योंकि जब नेशनल हेराल्ड आजादी से पहले अपना काम कर रहा था उस वक्त भी अंग्रेजों ने इसकी आवाज दबाने की कोशिश की थी, और अब फिर मोदी सरकार आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि 2015 में जो केस बंद हो गया था, तो 7 साल बाद उसे 2022 में खोलने की नौबत आखिर क्यों आ रही है? क्या कहना है कांग्रेस का, हम आपको सुनवाएंगे। क्या कहना है बीजेपी का? बीजेपी का जबरदस्त पलटवार हुआ है, इस पर भी हम आपको बताएंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, ये उनका ये कहना है, कौन अपराधी खुद को दोषी मानता है, सभी कहते हैं कि वो निर्दोष है, जो जमानत पर है वो कोर्ट जाकर अपना पक्ष रखे, ये कहना है जेपी नड्डा का। 2015 में ये केस बंद हो गया था, याद रखिए 2014 के पहले का केस है ये, ईडी की तरफ से ये केस बंद हो गया। हमारे सत्तारूढ़ सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ईडी में लोगों को बदला, हटाया, निरस्त किया अपने पदों से और नया केस खुलवाया प्रेशर डाल के, और उसके बाद अब 7 साल बाद ये समन्स दे रहे हैं। भ्रष्टाचार है और कोर्ट उसको देख रहा है, अच्छी तरीके से देख रहा है, मैं उस पर कमेंट क्यों करूं? लेकिन मेरा ये कहना है, आपके ऊपर चार्जशीट लगती है तो यार आप कोर्ट में जाते इसको क्वेश्चन करो, क्योंकि आप ईमानदार हैं, जो ईमानदार नहीं होता वो बेल लेकर के दूसरे प्रयोजन करता है, तो ये बताता है कि आपके कागज जो है वो बिल्कुल कमीशन के साथ लैस हैं पूरे। कभी आपने देखा कि कोई मुजरिम बोले कि वो बेईमान है? कभी कोई मुजरिम बोलता है कि मैं बेईमान हूं? सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह के जाते हैं, वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया है। तो जो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना, क्यों नहीं करते? इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी वे हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है, साफ है कि शासन के सब मोर्चों पर
अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह छटपटा रहा है।